लेकिन आपको बताऊं कि जिसको हम एक घंटा बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम वन हवर बोलते हैं, HOUR, वन हवर। ये हवर कैसे आया महाराज? और आप देखेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन आते हैं। अब आप देखेंगे कि हवर कैसे आ रहा है महाराज। तो प्राचीन जमाने में हम ऐसा नियम रखते थे कि सूर्य के पास जिस दिन जो ग्रह नजदीक आए सूर्योदय के समय, उस समय को उस ग्रह का होरा मानते थे, HOR, ये होरा। उस होरा से जिस दिन चंद्र होरा हो उस दिन को हम सूर्योदय के समय के प्रथम चंद्र होरा मानते थे, उस दूसरे दिन को हम प्रथम दिन मंगल होरा मानते हैं, तीसरे दिन बुध होरा मानते हैं, चौथे दिन गुरु होरा मानते हैं, पांचवे दिन शुक्र होरा मानते हैं, छठे दिन शनि होरा मानते हैं, सातवें दिन रवि होरा मानते हैं। इस होरा के हम गणित को उस दिन सूर्योदय के समय जो ग्रह है उसको रख के मानते हैं, जो क्रम से आता है सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। आप उस दिन का भारतीय होरा गणित को चेक करेंगे तो सूर्य उदय के समय वही बार होगा जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं मंडे यानी चंद्रवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार मंगल ग्रह, वेडनेसडे यानी बुध ग्रह का होरा होगा सूर्योदय के समय, गुरुवार, थर्सडे यानी गुरु होरा सूर्योदय के समय होगा, शुक्र होरा यानी शुक्र ग्रह उस समय सूर्योदय के समय होगा, शनिवार के दिन आप देखो तो सूर्योदय के समय बराबर शनि होरा शुरू हो रहा है, रवि होरा सूर्य के जिस दिन सूर्योदय के समय ग्रह स्थापना होना उस दिन हम रविवार मानते हैं। तो आप देख लीजिए कि अंग्रेजी जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो भी बोले जाते हैं वो हमारे भारतीय सूर्योदय के समय जो ग्रह को हम सूर्य होरा का प्रथम ग्रह मानते हैं उसी को रख के बनाए। और ये जैसे सूर्योदय के समय जो बार हो उस दिन उस ग्रह का शुरुआत हो, ऐसा इस दुनिया में किसी भी धर्म में, किसी भी प्रकार के दर्शन में, किसी सिद्धांत में नहीं है, मात्र भारतीय दर्शन में ही है। भारतीय दर्शन पुनर्जन्म को मानने वाले भारत के सभी दर्शन इस होरा को मानते हैं, भले वो सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो या सिख धर्म हो, हम सब इस होरा को मानते हैं। होरा का HORA से ही HOUR हवर बना जो अंग्रेजियों ने बनाया, और हमारे सूर्योदय के समय जो ग्रह पहले प्रकट होता था उसी को रख के जो बार हमने बनाया था उसका उन्होंने अंग्रेजी नामकरण दिया। हम अंग्रेजियों के पीछे या दुनिया का ये जो नवीनीकरण कर रहे हैं उनके पीछे नहीं है, हमारे पीछे पूरे दुनिया के सभी देश थे, ये जानने के लिए ये छोटा सा आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं। इस होरा से हम क्या क्या कर सकते थे और समय को क्यों हमने इतना महत्वपूर्ण दिया, आपको बता दूं कि अगस्त्य ऋषि ने षोडश कला समय नाम का एक समय बताया है, और उन्होंने हजारों वर्ष पहले बताया है कि इस समय में 2 मिनट आदमी किसी चीज के बारे में सोचता है तो 2 मिनट में उसकी इच्छा पूर्ति होती है, उसके जीवन में जो सोचा हुआ वो चीज आके ही रहता है। और आज पाश्चात्य जगत का ही समय के महत्व के बारे में बताते हैं कि भाई ये समय में ये ग्रह यहाँ आने से ये होने वाला है, नासा अब बताता है कि अब सूर्य इधर से बहुत नजदीक हो रहा है, ये अर्थ यानी पृथ्वी एक्सपेंड हो रहा है, तो हम मानते हैं कि हाँ हाँ साइंटिस्ट बोलते होंगे तो बिल्कुल सही होंगे, साइंटिस्ट के बाप अगस्त ऋषि बोले तो हमको उसके लिए कोई प्रूफ देना पड़ता है, उसके लिए कोई साक्षी बतानी पड़ती है, अगस्त ऋषि के साक्षी तो उनके साथ रहे हुए ऋषि मुनि है, हमको तो उनको ही पकड़ के चलना है और लाठी को पकड़ के ही हम अंधे पार हो सकते हैं, ये घड़ी-घड़ी मैं कह रहा हूं, इसका आप ध्यान रखना। मैं 2 चीज बाद में बताऊंगा कि समय का क्या महत्व है, किस समय पर क्या करने से कौन सा रिएक्शन हमारे जीवन में फ्रीक्वेंसी बन के आता है, कौन सा ऐसा तरंग है, कौन सा ऐसा कंपन है जो किसी गलत समय में करने पर असफलता लाता है, और कौन सा ऐसा समय है जो सही समय पर हमने काम किया तो छोटा सा काम भी बहुत बड़ी सफलता लाती है,
इसमें क्या वैसा तरंग और कंपन छुपा है और इसमें क्या विज्ञान छुपा है, इसके बारे में हमारे भारतीय दर्शन क्या कहता है और हमको किसी काम को कब करना चाहिए, इसके बारे में तो सैकड़ों प्रवचन दो तो भी कम है और मेरी श्रृंखला तो ये लंबी चलने वाली है। तो आगे हम देखेंगे कि समय का समय पर समय से समय के साथ जो उपयोग नहीं करता वो समय से पहले बाहर जाके समय को ही कोसता है। इसलिए समय को भी समझना बहुत जरूरी है और उस समय को समझने के लिए हम आगे के कई प्रवचन देखेंगे और होरा का महत्व देखेंगे। मेरे को तो इतना ही अब समझाना था, हवर जो शब्द है ये होरा शब्द से ही आया है और हम होरा के बारे में अगर बराबर समझ लेंगे कि एक एक होरा किस प्रकार से धरती पर विभिन्न तरंगों को फेंकता है तो किस दिन कौन सा काम कैसा करना चाहिए, ये जब आपको समझ आ जाएगा तो उस दिन वो काम जो आपने किया आपके लिए इस विश्व का सबसे बड़ा सफलता का चाबी लाके सामने ठिकाने लगा देगा और आप सफल इंसानों में हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि समय को साथ लेके जो नहीं चलता है वो समय से ही बाहर हो जाता है।